वापस लौट जाओ मॉर्क, वापस लौट जाओ। छोड़ दो ये मॉर्क था, तुम सब कुछ छोड़ जा रहे हो, कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें मॉर्क। तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? मैं यहां आया हूं विनाश की नगरी से। मेरी नगरी से? और मैं देवी नगरी जा रहा हूं, उसका राजकुमार मुझे पुकार रहा है। राजकुमार? मैं दुश्मन हूं इस राजकुमार का, नफरत है मुझे उसके नियमों से, उसके लोगों से। मैं आया हूं तुम्हारा विरोध करने। कुछ भी करने से पहले सावधान ओलियन, क्योंकि मैं उस राह पर चल रहा हूं जो मेरे दैवीय राजकुमार की सिखाई हुई है। खामोश, मरने के लिए तैयार हो जाओ पथिक। कसम है मुझे अपने नरकीय जहां की कि मैं इसी स्थान पर तुम्हारी आत्मा का वध कर दूंगा। ऐसे मैं सोया, मुझे एक सपना आया। सपना, तुम्हारे गंदे हाथ हटाओ। चुप रहो। मुझे कोई बदतमीजी नहीं चाहिए तुमसे। तुम ठीक हो ना मेरे दोस्त? मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि कोई है। मैं तुम्हारी मदद? मैं ठीक हूं। सचमुच? और तुम्हें क्या लगता है मैं यहां कारागार में हूं? हाँ, हम हैं। सच कहा। और तुम क्या किया था? खून, चोरी, कौन सा गुनाह तुम्हें यहां ले आया है? ईश्वर के नाम का प्रचार। हम एक अनियंत क्रिश्चियन है। क्या किया तुमने? गलत मोड़ ले लिया छिपतिक? रास्ता भूल गए? नहीं, मैं अपनी राह पर हूं। कैसे पागलों से पाला पड़ा है, और लगता है स्वर्ग का रास्ता बेटफोर्ड कारागार से होकर गुजरता है शायद। आहा, तो वो रास्ता मुझे भी बताओ, शायद मैं इसमें से बाहर निकलने का रास्ता जान सकूं। बदबूदार कौन है? चुप रहो अंदर। अगर तुम सुन सकोगे तो मैं शुरू से सुनाता हूं। एक कहानीकार भी हो तुम। अच्छा है,
कहानी से ही समय कट जाएगा। शुरू करो, मैं और चूहे तुम्हारी कहानी साथ में सुनेंगे। मेरा सफर शुरू हुआ एलिस्टो से, जो यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। तुम यकीन नहीं मानोगे, बचपन में मैं बड़ा ही शरारती था। वो किन मेरे पास फेंको, मारो मारो जम के मारो, मारो और मारो इसको, मारो खूब मारो, मारो 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 मारो। क्यों आई अक्कल ठिकाने फिलिप स्मिथ, तुम्हें कोई दम नहीं। सुना तुमने, कोई मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई नहीं। जॉन बनियान, तुम्हें सुधारने के लिए सदा के लिए तुम्हारा मुंह दौड़ाना पड़े वो मंजूर है। गंदी नाली जैसा मुंह मुझे मंजूर नहीं। काम पे लग जाओ अपने, नहीं तो मार मार कर ठीक करूंगा तुम्हें। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ जॉन, अपने काम पे ध्यान दो। क्या करूं मैं तुम्हारा जॉन, तुम्हें अपना काम करना था। उफ, इतनी गंदी भाषा बोलते हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सच? मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं ऐसी गंदी भाषा कभी नहीं बोलूंगा, मैं कसम खाता हूँ। और अपना काम लगन से करोगे? हाँ पिताजी, अभी से ही शुरू करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये आखिरी मौका है, पर आज तुम्हें अब खेलने नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हें अपने बर्ताव के बारे में सोचना होगा जॉन। हाँ पिताजी। हाँ, और जॉन वो काम के बारे में, जॉन 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 बनियान, जॉन बनियान। चलो चलो, मास्टर बेबिन के घर से चीज चुराते हैं। बचपन में मैंने अपने माता पिता का बहुत दिल दुखाया था, और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक मैं नौजवान हो गया। मैं और मेरे दोस्त काफी शरारती थे, और उनमें सबसे अव्वल मैं ही था। जॉनी जैसे लोग नहीं होते यहाँ, तो नरक में शैतान अकेले ही होता है। मैं बहुत खुश मिजाज था, लेकिन जानता था कि मैं बुरा हूं, बहुत बुरा। नरक में जाने का ख्याल हमेशा मुझे परेशान करता रहता था, और रात का तो हाल ही मत पूछो। मैं सुधरने के बारे में सोच रहा था, कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों की मदद हो, कोई ऐसा कार्य, कुछ ऐसा जो करने से मैं नरक से बच सकूं और मुझे स्वर्ग में जगह मिले। इसलिए मैंने बलिदान वाला कार्य किया और मैं फौज में भर्ती हो गया। हमला करो, ये तो पागलपन है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। ये मैंने अपने और अपने देश के लोगों के लिए किया है। और तुम्हारे ख्याल में देश के लोग क्यों लड़ रहे हैं? इसी कारण के लिए बेवकूफ, वो लोग भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन युवा बनियान, आखिर हम लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं और एक नर्क से दूसरे नर्क में जा रहे हैं। बनियान, तुम लड़ने के लिए आगे जाओ। जी जी हुजूर। जॉन, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाओ। नहीं, रुको। नहीं, नहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जंग में अच्छे और बुरे आदमी साथ ही मरते हैं। असली जंग तो
मेरे दिल में थी और मुझे शांति की तलाश थी, मुझे शांति चाहिए थी। ओई मुझे रास्ता दिखाओ। तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। किससे? मरने से। और मुझे पता है कि हर इंसान की तरह मुझे भी मरना है और ईश्वर के पास सुनवाई के लिए जाना है। और मैं जितनी कोशिश करूं, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं क्या करूं? आने वाले कहर से बचो। क्या? लेकिन बच के कहां जाऊं? वो छोटा दरवाजा देख रहे हो? नहीं। अपने आंसुओं से झांक कर देखो, चमकती हुई रोशनी दिख रही है? हाँ, हाँ दिख रहा है। वो रोशनी अपनी आंखों में रखो और उसकी ओर बढ़ो। वहां तुम्हें वो दरवाजा मिलेगा और उस दरवाजे पर पहुंचकर तुम जान जाओगे तुम्हें क्या करना है। जंग में मौत कई बार मेरे सामने आ खड़ी होती थी। मैं डर जाता था। मुझे लगता था कि मैं नर्क ही जाऊंगा। इस डर से बचने के लिए मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। मैं नियमित रूप से गिरजाघर जाने लगा, मलिन भाषा बोलना छोड़ दी, बाइबल पढ़ने लगा, शादी कर ली और काम करने लगा। सारे इंग्लैंड में अगर कोई स्वर्ग जाने के योग्य था तो वो मैं ही था। और कुछ नहीं। मुझ में एक खालीपन था। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। पर ईश्वर ने मुझे सच्ची राह दिखाई। शायद मुझे यहां काम मिल जाए। हाँ, आज सुबह एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। मैथ्यू पढ़ते हुए हमें भी बताओ। हर कोई जो थका हारा और मुसीबत का मारा हो वो मेरी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करेगा। मुझे भी ये अनोखा अनुभव हुआ है और यीशु को अपने करीब पाया। आओ। माफी चाहता हूँ देवी। नमस्ते महाशय। अगर आप काम की तलाश में हो तो मेरे पास एक या दो बर्तन है जिसकी मरम्मत की जरूरत है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ देवी जी। मैं भी अपने आप को क्रिश्चियन ही मानता हूँ। मैं चुपचाप बात सुनने वालों में से नहीं हूँ, पर मुझे कबूलना होगा। आपको ईश्वर के बारे में बातें करते सुना, उनसे बातें करना एक करीबी मित्र के समान लगता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। मैं भी जब तकलीफ में होती हूँ ईश्वर को याद करते ही उन्हें अपने पास पाती हूँ। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की अच्छाई के रास्ते पर चलना, उनके दिखाए पथ पर चलना, उनके सिद्धांतों का पालन करना। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जाने क्यों देवियों, जैसे कि पुराने इमारत पर नया रंग चढ़ा दिया गया हो। मेरी कोशिश यही रही कि मैं वही करूं जो सही है, जो भला हो। फिर भी तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। पादरी गिलबर्ट, ठीक मौके पर। आप क्या कह रहे थे जनाब? बेनियन, कि मेरी भलाई एक पुराने इमारत के ऊपर एक नए रंग की परत के समान है। पर आप? हाँ, आप देवी जी मुझे एक नई इमारत के समान लग रही हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे बेटा। तुम्हें जरूरत है अपना बोझ हल्का करने की। हाँ जी हाँ, हाँ। नहीं बनियाद, तुम्हें जरूरत है अपना बोझ हल्का करने की। ये तो यीशु की भलाई का नतीजा है कि तुम बच गए। उनकी दया और उन पर अटल विश्वास ही मुक्ति है। यीशु ने कहा है, हर कोई जो थका हारा और मुसीबतों का मारा हो वो मेरी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जिसका मतलब है वो उन्हें मदद करता है जो खुद की मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं दोहराता हूं, अपना बोझ हल्का करो।
बोझ हर एक इंसान पर लदा हुआ है। मैं अपना बोझ खुद संभालता हूं तो तुम्हारा बोझ हल्का हुआ, स्वर्ग की ज्योत तुम्हारे दिल को रोशन कर देगी, तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। नहीं प्रिय दोस्त, वो ज्योत जब मेरे हृदय में बसी तब मेरी यात्रा शुरू हुई और मैंने जाना कि हमें उस ज्योत की तरफ निरंतर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। ओह, हिलो मत पिताजी। हो गया, अब आप तैयार हो उपदेश देने के लिए। बहुत बढ़िया, मेरी सबसे बड़ी बेटी पूरे इल्स्टॉन में सबसे अच्छी सहायक है और हाँ सबसे सुंदर भी। और आप सबसे आकर्षक उपदेशक हो। अच्छा, तुम्हें यकीन है? और मुझे ये जानने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं पिताजी। ठीक है, हम तैयार हैं। जॉनी कहाँ है? तयाल। मेरा विश्वास है कि मैं सही जगह आया हूँ उस गैर कानूनी उपदेशक को सुनने के लिए। अगर तुम्हारा इशारा उस ठठेरे प्रचारक से है तो तुम सही जगह पर आए हो। चिंता ना करो, हम रोज उसे मिलते हैं और सरकार ने हमें अब तक नहीं सताया। तो मैं जल्द ही जान लूंगा कि वो अपनी प्रसिद्धि और लेखों पर खड़ा उतरता है या नहीं। ओ, उसकी कलम ही उसकी तलवार है। मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग उसके इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठा होते हैं जैसे मधु के पास मधुमक्खी। मुझे आत्मिक खुराक की भूख है। आओ हमारे साथ चलो, वो आते ही होंगे। ये आदमी बनियान जानते हैं कि कोई भी गैर कानूनी उपदेश देना कानून के खिलाफ है। उस पर गैर कानूनी सभा करवाने का आरोप है। गैर कानूनी सभा के विपरीत उस ठठेरे प्रचारक को सिर्फ एक शब्द कहना है और ये गिरफ्तारनामा उसके तथाकथित गिरिजाघर के अंत के लिए काफी है। मुझे जॉन को बताना होगा, जॉन को बताना ही होगा। जॉन, शुक्र है ईश्वर का तुम मिल गए। मिल गए? मैं तो जा रहा था उपदेश देने। मेरी बात सुनो जॉन, तुम्हें आज उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या? हॉलिंगटन के थानेदार ने तुम्हारे नाम का गिरफ्तारनामा जारी किया है जॉन। ओ जॉन, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं इस कारणवश सभा को बर्खास्त नहीं करूंगा। ओ जॉन, पिताजी। मेरे प्यारो, मेरी बात सुनो, हमें निडर होना होगा। नहीं पिताजी। जॉन सुनो, अब लोगों के दिलों में विश्वास कैसे बरकरार रहेगा अगर उनका पादरी उनके लिए कुछ भी खोने को राजी ना हो। मैं ईश्वर का संदेश देकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। तुम्हें पता था तुम गिरफ्तार हो जाओगे, ये पागलपन है। ग्रंथों में लिखा है यीशु ने जिसे आजाद किया वो यकीनन आजाद है, और एक ऐसा समय आएगा जब तुम इस इमारत में या किसी जगह पर ही प्रार्थना नहीं करोगे, पर सच्चा भक्त जॉन बनियान पर सच्चे भक्त अपनी भक्ति सद्भावना और सच्चाई में पाएंगे। जॉन बनियान, हमें गिरजाघर नहीं ईश्वर का संदेश। मेरे पास तुम्हारे गिरफ्तारी का आज्ञा पत्र है। ये बेहतर होगा, हम भरोसा रखें ईश्वर पर, क्योंकि निरर्थक है आदमी से मदद लेना। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोको, ईश्वर आपके साथ रहे पिताजी, ईश्वर आपके साथ रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उपदेश देने का अधिकार किसने दिया ठठेरे? पुराणों ने दिया। ऐसा? शास्त्र हमें कहता है अगर मनुष्य कुछ करना चाहता है तो उसे वो करने का अवसर देना चाहिए। आपने तो पीटर के लेख जरूर पढ़े होंगे। मैं एक न्यायाधीश हूँ, कोई पंडित नहीं। खैर, तुम्हें ये शक्ति इस्तेमाल करने का हक है, परंतु सिर्फ अपने परिवार के दायरे में रहकर। नहीं तो? नहीं तो तुम उपदेश नहीं दे सकते। पर फिर भी ईश्वर का संदेश कहता है कि ये सभी के साथ बांटूं। तुम्हारी बातें ईश्वर की बातों से मेल नहीं खाती जो कहती है। बस भी करो, तुम्हें 3 महीने मिलेंगे ठठेरे काल कोठरी में इस पर विचार करने के लिए।
और फिर तुम तय करोगे कि तुम हमारे फैसले के आगे झुकने को तैयार हो या नहीं, कि तुम गिरिजाघर में जाना शुरू करोगे और अपने लेख लिखना बंद कर दोगे। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम्हें देश से निकाला दिया जाएगा, और यदि तुम कभी किसी समय इंग्लैंड से मिले तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। पर ये हमारा फैसला है, ले जाओ उसे। और बेतसी, जॉनी कैसे हैं वे? वो ठीक है पिताजी, जॉनी को एक और मेढक मिला और उसने उसे चाय की केतली में डाल दिया। पिताजी आपका मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा बेटी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे आप पर फक्र है पिताजी। माफ करना बेटी, पर अब तुम्हें जाना होगा। जी हाँ। मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। माँ या मैं कल फिर आएंगे और आपके लिखने के लिए कागज भी लेते आएंगे। उस चीज की इसे खूब जरूरत है, दिन रात लिखता रहता है। ख्याल रखना मेरी बच्ची। शुक्रिया पिताजी, आप भी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुमसे मेरी बच्ची। जॉन बनियान, मैं यहाँ तुम्हें पूछने आया हूँ कि अब क्या तुमको इस राज्य का कानून स्वीकार है? क्या तुम गैर कानूनी सभाएं लगाना बंद करोगे? अगर तुम्हें इनकार है तो तुम्हें यहीं बंदी ही रहना पड़ेगा। क्या कहते हो बनियान? श्रीमान, ईश्वर मेरा गवाह है। क्या कहते हो बनियान? मैं प्रभु के कहने के विपरीत नहीं जा सकता, उसने मुझे पादरी बनाया है, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अगर तुम उपदेश देना बंद करने में सहमत हो जाओगे तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। मैं जानता हूं मैं क्या करता, तुम तो सब खो चुके हो। तुम्हें यकीन है कि तुम प्रभु के बताए रास्ते पर चल रहे हो? ईश्वर ने कभी भी आसान पथ की दुआई हमें नहीं दी। सच तो यह है कि हम सबको मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। ईश्वर हमें हिम्मत दे। बनियान, क्या हो रहा है ये? महामारी फैल रही है, लंदन से बचकर लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो यहां भी मुश्किल हो जाएगी। हम कुछ कैदियों को घर जाने दे रहे हैं। घर? एक मिनट रुको, तुम बेडफोर्ड छोड़कर नहीं जा सकते, तुम अभी भी एक कैदी हो, मगर मुझे तुम पर भरोसा है। बनियन, ये सब खत्म होने के बाद तुम लौट आओगे और ईश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। महामारी ने तकरीबन 100,000 लोगों की जाने ली, युद्ध से भी कहीं ज्यादा। बेडफोर्ड के लोगों को भी कोई ना कोई हानि जरूर हुई। वादे के अनुसार मैं लौट आया हूँ, तुम्हें ठीक देखकर मुझे खुशी हुई। तुमने अपनी जबान रखी बनियन, पर मुझे इस पर कभी भी शक नहीं था। और तुम्हारा परिवार सब ठीक है? जी हाँ, और एक खुशखबरी है, मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। एलिजाबेथ पेट से है। और मेरे पास भी एक खुशखबरी है, तुम्हें जमानत मिल गई है। जमानत? देश का बुरा हाल देखकर सरकार रोज कोई ना कोई कानून में बदलाव ला रही है, सरकार पर निर्भर है ये सब। तुम घर होने के लिए आजाद हो, जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो बनियन। पर याद रहे, कानून फिर रातों रात बदल सकता है।
वो जो हमारे साथ नहीं रहे, कहते थे उन्हें ईश्वर से प्यार है और उनका ये मानना था कि वो मात्र मुसाफिर थे इस जहां में। जॉन बेनियन। जी हाँ, मैं ही हूँ। और मैं एक सिपाही हूँ और ये सभा गैर कानूनी है। फिर तो ये है अंत। तो क्या खत्म हुआ तुम्हारा सफर, तुम्हारी तीर्थ यात्रा? फिर आ लौटे तुम इस कारागृह में 12 साल के लिए? सच पूछो तो बनियान, जो तीर्थयात्री अपने तीर्थ स्थान पर कभी पहुंच ही ना पाया, वो यात्री कभी तीर्थ जा ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चक्कर काट रहे हो। तुम्हें तो एक शातिर कैदी करार दे देना चाहिए। शायद, परंतु कई लोग अपने पिंजरे के साथ सफर करते हैं, चाहे वो कितने ही आजाद क्यों ना हो। सच कहा। मैंने प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वर से खूब विनती की कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मालूम हो जाए, पर जब मुझे मकसद समझ में आया, शब्द इतने तेज बहे कि मैं उसे लिख ना पाया। एक रात जब मैं सो चुका था, मैंने एक सपना देखा। मैं एक तीर्थ यात्री था, विनाश की नगरी के पास रहने वाला, और सोचता रहता कि किस और जाना है, जब मुझे मिलवाया गया एक शख्स से जिसका नाम इवेंगलिस्ट था। उसने मुझे मार्गदर्शन दिया। बारी बारी मैं कई विपक्षों से मिला। उनमें से थे श्रीमान जगत ज्ञानी न्यायमूर्ति घृणाकुशल और राक्षसी अपोलियन। ईश्वर के नाम पर मैं फिर जागूंगा और जागूंगा। पादरी बनियन, पादरी बनियन। क्या खत्म हुआ? क्या तुम्हारी सजा समाप्त हुई? नहीं नहीं, कानून जब बदल गए और गिरजाघर के सदस्यों को आजादी मिली खुलकर मिलने की, मुझे आजाद गिरजाघर का पादरी चुना गया। जब तुम बंदी थे? हाँ, वो जानता है, उसके धर्मोपदेश बांटने लोगों से मिलकर बात करता है और फिर यहाँ लौट आता है भले इंसान की तरह। जॉन की सजा अब तक वापस नहीं ली गई है। जानते हो, हर यात्री का एक ठहराव स्थान होता है। अब के लिए ईश्वर की ये मर्जी है कि ये मेरा ठहराव स्थान हो। ये मेरे यहाँ बिताए हुए समय का फल है। मुझे पता है कि तुम्हें आनंद होगा। याद रखना दोस्त, एक यात्री जिसके साथ ईश्वर हो कभी भटक नहीं सकता। मेरा यकीन मानो, वो हमेशा अपनी मंजिल पा लेगा, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो। वो जा रहा है एक सच्चा आजाद इंसान। कौन अपनी जिंदगी की उम्र जान पाया है? मुझे नहीं पता कि मैं यीशु के प्रचार करने के लिए आजाद रहूंगा या नहीं, कैद कर दिया जाऊंगा या मेरा खात्मा फांसी के फंदे से होगा। चाहे जो भी हो, अगर मेरी आजादी मेरे कैद या मेरी मौत से अगर एक भी इंसान को मैं यीशु मसीहा की तरफ मोड़ पाऊं, तो मेरी जिंदगी सफल हो। कारागृह और मौत या आजादी और जिंदगी, मैं मेरे ईश्वर के साथ हूं और हिम्मत कर इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि जब तुच्छ और साधारण यात्री जब आखिरकार उस महान स्वर्गीय राज्य में कदम रखेगा जहां उसे प्रभु ने बुलाया है, उसके पैरों के निशान, हर जीत और चोट के निशान की मदद से दूसरे थके हारे मुसाफिरों को मार्गदर्शन हो जाएगा और आखिरकार एक दृढ़ कदम धीरे धीरे उन्हें घर ले जाए,
ईश्वर के पास। जॉन बनियान को आजादी मिली सन 1677 में, जब वो अपनी हस्तलिपि एक तीर्थयात्री की उन्नति छपवाने मुद्रक के पास गया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मुद्रक से कहा, मैं एक साधारण सी हस्तलिपि छपवाना चाहता हूँ। उन्हें शायद इस बात पर अचरज होता अगर उन्हें पता चलता कि एक तीर्थयात्री की उन्नति बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से थी। उसका अनुवाद 80 भाषाओं में किया गया। जॉन बनियान एक लेखक, प्रचारक और पादरी बने रहे। सन 1688 में उनकी 60 साल की उम्र में मृत्यु हो गई।